तो पहले हम लोग परिचय से शुरू करें। तो मैं तो जैसे बताया, मैं सोमनाथ डनायक, मैं मटेरियल साइंस प्रोग्राम में पदार्थ से संबंधित जो विज्ञान है हमारा, पदार्थ विज्ञान कार्यक्रम, उसमें मैं कार्यरत हूँ। अब आप लोग अपना अपना परिचय दीजिए। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। आप? हाँ आप तो हिंदी अच्छी बोलते हो। नॉर्थ से ही सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप? ओके। आप? सर मेरा नाम धन्य शर्मा है और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैं दिल्ली से। बहुत बढ़िया। नाइस। बहुत बढ़िया। लॉर्ड स्कूल ट्रिवेंड्रम केरला। ओके ओके। तो सभी लोग फैमिलियर हैं प्रोफेसर एच सी वर्मा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एच सी वर्मा सर को अभी पुरस्कार मिला मिला ना, अभी आप लोगों को पता है कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म श्री। क्यों मिला, कोई बताएगा क्यों मिला? आराम से बताइए, हम लोग गप्पे कर रहे हैं। फिजिक्स? ठीक। और कोई? ठीक ठीक। और कोई? सुपान आश्रम डेवलप किया। सुपान आश्रम में और भी लोग लगे हुए हैं, कई लोग डेवलप करने वाले हैं। अब मैं बताता हूं कि उनको पुरस्कार क्यों मिला, जिससे हम लोग ज्यादातर पीछे हटते हैं। जब मैं यहाँ 2003 में आया था तो मेरा इंटरेक्शन 2004 में वर्मा सर से हुआ था और मैंने उनको देखा है सवेरे से, सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, एक एक एक्सपेरिमेंट कर कर के देखना कैसे होता है, क्यों होता है। उत्सुकता, तत्परता और साथ में कर्मशीलता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पुरस्कार फिजिक्स पढ़ने से नहीं मिला, पुरस्कार शिक्षा सोपान से नहीं मिला। पुरस्कार क्यों मिला? लगनशीलता, उनका जो उस तरफ रुझान था, इतना ज्यादा रुझान था कि उन्होंने फिर धीरे धीरे करके बहुत कम समय में उन्होंने बहुत कुछ खड़ा कर दिया। आज ही हमको इतना बड़ा शिक्षा सोपान दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है? कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो ये हम लोगों को सबसे पहला जो ध्येय सूत्र है, जो मंत्र है, इसको जरूर विचार में रखना चाहिए। और इसके बाद में शुरू करूंगा। मैं पदार्थ विज्ञान में हूं, यानी कि मेटेरियल साइंस। तो पदार्थ, हम लोग विज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी, जब इसको जब हम लोग सोचते हैं तो हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि यार जो पुरानी बातें दादाजी करते हैं, नानी जी करती हैं, नाना जी करते हैं, पूजा पाठ कर लो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, कुरान शरीफ पढ़ लो, तो ऐसा लगता है कि यार क्या रखा उसमें, कुछ तो नहीं हो रहा। हम पैदा होते ही साथ क्या देखते हैं? मोबाइल उसमें हो रहा है, उसमें टच 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 किया, हो गया, हमने ऐसे किया, बात दूर दराज तक हमारी बात हो गई, बहुत दूरी तक बात हो गई। तो हमारा विश्वास वहां पे केंद्रित हो गया, हमको क्या लगा कि हाँ इसमें कुछ है, लेकिन वहां तो कुछ होता नहीं। वहां कहाँ कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ होता हुआ? आपने जो पुराने दादी नाना बताते हैं कि ऐसा है ऐसा है, ऐसा कर लो, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सारी अवधारणाएं हैं, कोई बताता है? अब मैं आपको एक तर्क देता हूं, हम लोग इस सिक्के के अंदर घुसेंगे तो आप क्या कहोगे? घुस सकते हो आप लोग? हम लोग घुस सकते हैं सिक्के के अंदर? नहीं जा सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इस सिक्के के अंदर चले जाएंगे? हैं? हमको सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ेगा। हमारे पुराणों में बहुत मिलता है सूक्ष्म रूप, महारूप, सारी चीजें उसमें मिलती हैं, है ना, वो भी एक विज्ञान है। तो इसके अंदर घुसने के लिए हम बिल्कुल नीचे के लेवल पे जाएंगे, बिल्कुल नीचे, छोटे 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 होते हम लोग चले जाएंगे और फिर हम इसको समझेंगे कि इसके अंदर एटम्स कैसे हैं। मतलब आप इमेज करिए, कल्पना करिए, जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ रटना पढ़ना नहीं है, आप घुस जाइए उसके अंदर। कैसे? कि आज हम लोहे के अंदर, इसके अंदर जाएंगे, अन्वेषण करेंगे, पूरा निकाल के लाएंगे कि इसमें आखिर है क्या, कैसा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इकाइयां क्या होती हैं अंदर जाने की? अंदर जाने की इकाई कौन सी है? मिली में जाओगे आप, इधर अगर जाओगे,
हायर साइड में क्या होती है, किलो है, मेगा है, गीगा है, टेरा है, पेटा है, एक्सा है ना। और जब आप नीचे डाउन में जाते हो तो क्या हो जाता है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है, फेमटो है, और उसके आगे ऑटो। हाँ, फिर आप लोगों को मालूम है कि ये मापे हमारे यहां, कणाद ऋषि का नाम सुना है किसी ने? कणाद ऋषि ने, डाल्टन ने तो अभी 1700 से लेकर के 1800 के बीच में डाल्टन ने बोला परमाणुवाद के बारे में, परमाणु छोटी इकाई है, ऐसे ऐसे हो सकता है। हमारे महर्षि थे एक कणाद ऋषि, उनको मैं वैज्ञानिक बोलूंगा, हमारे पुराने वैज्ञानिक, पुरातन वैज्ञानिक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि सबसे छोटी इकाई जो है परमाणु है, और परमाणु दूसरे चीजों से संपर्क में आके नई नई चीजें बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और उन्होंने कब बताया, 2500 साल पहले, महावीर संवत। महावीर संवत सबसे पुराना है, 2500 से स्टार्ट होता है। इन बातों को भी मैं क्यों जा रहा हूं उधर पे, साइंस के साथ में हम लोगों को इन बातों की तरफ भी जाना है। जब भी समय मिले इधर उधर न जाके कहां जाना है, खोलना है, अपने ग्रंथों को पुराने खोलना है, उनका अन्वेषण करना है कि क्या था, कैसे हुआ, और सारी चीजें जो बनी है, सारा जो साइंस टेक्नोलॉजी बनी है, उसके बेस में, उसके ग्राउंड में, उसके नींव में आप पाओगे कि हर कहीं हमारा विज्ञान कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। अब कैसे, तो उन्होंने उसको परमाणु कहा, सबसे छोटी इकाई हमारे यहां परमाणु। उसके बाद होती है त्रिश्रेणु, उसके बाद होती है महिरजस, उसके बाद बाल अग्र, लिख्या, युग, यवोदर, अंगुल, एक पद, वितस्ति, दो पद, दो पद दो वितस्ति के बराबर एक हस्त हो गया, चार हस्त के बराबर एक धनुष हो गया, दो धनुष के बराबर एक नाड़िका हो गया, 2000 धनुष एक गाव्यूति हो गया। अब हम बड़ी इकाई में चले गए, जैसे अभी हम मिली माइक्रो में जा रहे थे, तो ये परमाणु, त्रिश्रेणु, धूलीकरण, बाल अग्र, लिख्या, इसके बाद अब हम जा रहे हैं हस्त से, जब हम शुरू हो रहे हैं तो आगे जा रहे हैं गाव्यूति, उसके बाद योजन। जब बड़ी इकाइयां होती थी तो योजन। तो अगर हमको इस सिक्के के अंदर जाना है तो हमको कहां जाना पड़ेगा, छोटी इकाई में जाना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं कि हमारी आधुनिक विज्ञान भी इसकी इकाइयां बताता है, जिसमें अभी हम लोग स्टडी करेंगे, चूंकि आज हमारे पास में वही है, उसी से हम ज्यादा हम लोग उसी को अभी समझ रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। लेकिन साथ में हमको इसको भी देखना है कि ये भी इकाइयां बहुत पहले से विद्यमान है। तो अभी हमको मिली माइक्रो, नैनो, इस लेवल पे हम जाते हैं। एटम हमारा जो है वो नैनो के लेवल के ऊपर हमको एटम आ जाता है, ठीक है, उससे भी नीचे है, तो हमको यहां जाना है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जो हमारे कणाद ऋषि थे, उन्होंने लास्ट में, उनको किसी ने बोला कि अब अंत समय आ गया है, अब ईश्वर का नाम लो, लेकिन वो इतने दीवाने थे साइंस और टेक्नोलॉजी के 2500 साल पहले, कि उनके मुंह से परमाणु परमाणु परमाणु, उसको संस्कृत में एक और नाम बोलते हैं, पीलवह पीलवह पीलवह। अब आप लोग कहोगे पता नहीं क्या बता रहा है संस्कृत में और ये वो, क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब आपको बताता हूँ, बंगाली हैं आप, आपके बंगाल साइड में कैसे उच्चारण होता है, दशमलव कैसे बोलेगा, टिपिकल बंगाली कैसे बोलेगा, दशमलव, दोशमलव बोलेगा। बिहार साइड आइए, दोशमलव, फिर ऐसे चलते चले आइए आप पूर्व से पश्चिम की ओर आइए, दोशमलव, दशमल, डेसिमल, 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 डेसिमल। पेरिमेट्री, परिमिति, संस्कृत नाम है परिमिति, दशमलव संस्कृत नाम है, दशमलव से डेसिमल हो गया, परिमिति, परिमिति, पेरिमिट्री, पेरिमिट्री, पेरिमिट्री हो गया, द्वार, द्वार, डोर, 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 डोर हो गया, विधवा, 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 विडो, विडो हो गया, विदुर, विदुर, विदो, विडो, विडोर हो गया, चरित्र, चरित्र शब्द ही नहीं था वहां, जंगल में थे लोग, चरित्र हमारे यहाँ चीरहरण के समय से चला आ रहा है चरित्र शब्द, आप लोगों ने सुना, चरित्र, 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 कैरेक्टर, 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 समझ रहे हैं। इस तरफ भी ध्यान दीजिए, ठीक है, जब समय मिले तो इन चीजों को खोजिए। अब मैं अपने सब्जेक्ट पे आऊंगा, मुझे इस तरह का थोड़ा सा आप लोगों को बताना था कि इससे हम लोग जो दूरी बना के बैठे हैं ये सोच के कि ये सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने अपने लैब में बैठ के कैलकुलेशन किया है, सूर्य की दूरी जो निकलती है इन मापों के साथ में, एक योजन 13 किलोमीटर के आसपास आता है। यू ऑल कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट, आप मेजर करिए, यूनिट्स आपको नेट के ऊपर मिलेंगी, उसमें आप मेजर करिए कि हस्त कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक, उस सेंटीमीटर के हिसाब से फिर आप देखिए कि एक श्लोक हमारे यहां आता है सहस्त्र योजन के ऊपर, हमारा जो सूर्य है सहस्त्र योजन, सहस्त्र मतलब 1000, योजन मतलब 13.5 किलोमीटर, और उस फॉर्मूले से जब आप निकालेंगे तो जो नासा डिस्टेंस बताता है वही डिस्टेंस हमारे धरती और सूर्य के बीच आती है। और ऐसी एक चीज नहीं है, ऐसी कई चीजें हमारे यहां छिपी हुई हैं जिनको हम घुसना ही नहीं चाहते, चूंकि हमारा
इंटरेस्ट ही नहीं है उस तरफ में, हमको लगता है कि ये सब बकवास है, फालतू है, ऐसा नहीं है। अभी उसमें से आपको इतनी चीजें मिलेंगी कि हो सकता है कि आप पता नहीं कहां साइंस और टेक्नोलॉजी को ले जाएं आगे चल के। तो ये आश्रम इसीलिए बना हुआ है कि आप दोनों तरह से विज्ञान और ये वाला विज्ञान, पराविज्ञान, ये एक्सट्रीम विज्ञान मैं इसको मानता हूं, जिसमें औषधियों से लेकर के ऐसी ऐसी औषधियां हैं जिनसे जहां जान ना बचती हो वहां जान बचाई जा सकती है, तो इस तरफ भी हम लोगों को जाना है। तो अब हम कुछ मैजिक से शुरू करें, ठीक है? तो अभी हम इसकी तरफ बाद में जाएंगे, कुछ मैं छोटा सा एक मैजिक बनाता हूं। इनोवेशन, आप लोगों ने बार बार सुना होगा इनोवेशन, आप लोग यूट्यूब पे जाओगे आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना, ये देख लिया ठीक है, नहीं देखा उसके बाद क्या करना है? आपने कोई चीज यूट्यूब पे देखी तो आप उसको दूसरे तरह से और कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करने की सोचिए, कैसे आप उसको डिजाइन कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं और जादुई बना सकते हैं। आप ही लोगों को बेस्ट टीचर बनना है आगे आने वाले समय में, दैट इज द बेस्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो मैं अभी आपको, मैंने जो खुद बनाया है इसको, मैं अभी आपको एक कुछ प्रश्न भी करूंगा और बताऊंगा भी और कुछ पूछूंगा भी आपसे, हालांकि ये एक्सपेरिमेंट आपने इस तरह से मिलते जुलते काफी देखे होंगे, लेकिन ये जो है थोड़ा सा ये मैंने इसको खुद से डिजाइन किया है अलग हटके, ठीक है? तो अभी मैं इसको यहां रख देता हूं, देख लूं जरा हवा निकल रही है कि नहीं, निकल गया था, ठीक है। अब मैं यहां से मैं प्रश्न करता हूं, मैं फूकूंगा, आप लोगों को आनंद आ रहा है ना, ठीक है? मैं इसको फूकूंगा तो बॉल को क्या होगा, हाँ ऊपर जाएगी? कोई और आंसर, उत्तर? रोटेट होगा, ठीक है? ऊपर नहीं जाएगा? ऊपर जाएगा या नहीं ये बताओ मुझे, हैं? जाएगा ना? एनीवन अगेंस्ट इट? नो वन? ओके, देखते हैं। अब ये ऊपर तो नहीं जा रहा है, अब इसको और देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं चिपक ही गया हो, ये कुछ इसमें मैजिकल हो गया हो ऐसा? ये चिपक गया, क्यों चिपक गया? देखिए इन छोटी छोटी चीजों में साइंस है, और जब आप सोचेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे, जब आप इसको समझ लेंगे तो आप इस तरह के कई बना पाएंगे। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज जनरेट होते रहते हैं, टाइम नहीं मिलता लेकिन कभी कभी बीच बीच में बनाता रहता हूं, तो आप बना पाएंगे और कर पाएंगे, और आपको अच्छे से थ्योरी में भी जाना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में भी जाना पड़ेगा जो आप लोग यहाँ वर्मा सर के साथ कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये करिए, घर में करिए, लगन के साथ करिए और सीखिए। बताएंगे आप, कोई बताएगा कोई क्यों हो रहा है, क्यों गिर क्यों नहीं रही है बॉल? कैप के अंदर कुछ आई थिंक बिठा हुआ है, दिख रहा है? नहीं, ये तो ओपन है, एयर टाइट किया है, ये है, ऐसे है ये। अब क्यों नहीं गिर रही है? हवा कहां से निकल रही है? यहां से हवा निकल रही है, इसकी परिधि जो है ना, सर्कमफ्रेंसेस जो है, सो एयर इज पासिंग आउट फ्रॉम हियर 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 हियर, नाउ इट इज नॉट मूविंग। एक यहां यहां पे भी है, यहां पे भी हवा जा रही है, टकरा रही है, लेकिन यहां से टकराने के साथ में वो, क्योंकि यहां तो रास्ता है नहीं बीच में बॉल में, कहां से निकल रही है? किनारों से निकल रही है, ऐसे इन दिस फॉर्म, इन ए शेप ऑफ कॉनिकल, लाइक कॉनिकल वे। फिर क्या हुआ? यस, दैट्स व्हाट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। अब बताइए कैसे हो रहा है? Yes, yes, yes. Lower beneath the ball, high above it. So the pressure from the air above pressures the ball into the cap. Definitely, definitely. So what is happening here? Chalk nahi hai. खैर अभी ऐसे ही बताता हूँ, तब तक आप अच्छा। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है? ये यहां से हम फूंक रहे हैं, यहां से हवा जा रही है, यहां ये हमारा कीप है, यहां हमारा बॉल टिका हुआ है, ये हमारा बॉल है। तो बॉल यहां से एक कॉनिकल वे में इट इज मूविंग, बट द वेलोसिटी इज वेरी हाई। व्हाई वेलोसिटी इज वेरी हाई? बिकॉज एज द एरिया विल रिड्यूस द वेलोसिटी, ए वी इज कॉन्स्टेंट, यू ऑल नो। सो जहां छोटा करेंगे पाइप को, दबाएंगे आप तो प्रेशर
आपका वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी, है ना. सो देयर इज हाई वेलोसिटी. सो देयर इज ए हाई वेलोसिटी कोन, ठीक. सो ड्यू टू दिस हाई वेलोसिटी कोन, व्हाट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हियर? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हियर व्हाट इज कंपैरेटिवली लेस. जब आप एक बॉल को एक ब्लोअर लेते हो और उसके ऊपर बॉल रख देते हो तो क्यों नाचने लगती है? क्योंकि हाई वेलोसिटी के साथ में यहां पे आपकी एयर जा रही है, ठीक. जब हाई वेलोसिटी से कोई चीज यहां से हटेगी देयर विल बी ए वैक्यूम, ओके. देयर विल बी ए वैक्यूम, बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है. सो देयर विल बी ए वैक्यूम, निर्वात जिसको कहते हैं. हिंदी भी पढ़ते रहिए, अपनी भाषा बंगाली भी पढ़िए, सब संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं हैं, इसलिए संस्कृत भी पढ़िए. तो जब ये यहां से निकला आपका हाई वेलोसिटी के साथ में तो यहां वैक्यूम हुआ, और वैक्यूम तो रह नहीं सकता, उसको आसपास में जो भी मिलेगा सक करेगा, खींचेगा, जैसे भंवर होते हैं. वायु का भी बनता है. तो यहां पे जब ये तेजी से जाएगी तो यहां एयर प्रेशर यहां पे कम हो जाएगा इसके अराउंड में, और यहां से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट विल पुश ऑल अराउंड द बॉल, ऑल अराउंड द कोन. सो दिस इज नॉट गेटिंग डाउन, इसके चारों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर इसको यहां पे स्थिर कर दे रहा है. अब अगर मैं इसको थोड़ा सा उठा दूं, अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल बी हैपन? इट विल बी स्टेबल, इट विल डांस, ओके. नाइस, ठीक लग रहा है? कहीं अगर गलत लग रहा है तो भी टोकना, कहीं शंका है तब भी बोलना. So that depends on the how much velocity you can create from your mouth. So this is also a kind of exercise. आप इस तरह के जब अभ्यास करेंगे तो आपकी सांस की भी एक्सरसाइज होगी, और कोरोना के लिए भी हम लोग क्या होंगे? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करेंगे, इम्यूनिटी, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, करेक्ट और नॉट? आप बार बार फूंकोगे, करोगे, शंख बजाते हैं आप लोग, आप बजाते होगे, और साउथ के लोग भी बजाते हैं, बंगाल के भी ज्यादा बजाते हैं, इधर के कम बजाते हैं. डेली एक शंख रखिए, घर में जरूर बजाइए, फूंकिए, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है. तो अब एक चीज मैंने इसी से ये कर दिया, बर्नौली दिखा दिया इसी से. इसी से दूसरा प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल स्टॉल लीजिए, बना लीजिए, बच्चों को अगल बगल के बताइए, आप जहां से आए हैं एक एक दो दो को ट्रांसफर करिए चीजें बनाना, ठीक है. तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं, इसको एरेड लाइट से चिपका दीजिए. अब यहां पे दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं. इसी को आप यहां बंद कर दीजिए, ठीक. अब हमारे पास में दो बोतल हो गई, थोड़ा सा मुझे पानी मिलेगा क्या? कोई बच्चा कोई पानी, थोड़ा सा कोई टब में, जग में, बोतल में, कोई जरा सा. मैं बोल देता हूं, इनको बोल देता हूं. तो इस तरह से ये दिखाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग सोचिए, रात में सोते समय सोचिए, ठीक है, और बनाइए, समय निकालिए, फालतू का काम करने की बजाय समय निकालिए और ये सब चीजें डेवलप करिए. क्योंकि हमको चाइना को टक्कर देना है, आसान नहीं है चाइना को टक्कर देना. हमारे IIT में भी LED जो लगती है कैंपस में पूरे परिसर में, वो भी चाइना की लगती है दिवाली पे. वो मुझे देख के अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये सब रिप्लेस हो जानी चाहिए, हमारे यहां बननी चाहिए. तो कौन बनाएगा बताइए, कौन बनाएगा? आप लोग बनाएंगे. दृढ़ संकल्प करिए कि आप लोगों को ये काम करना है, आप लोगों को ये बनाना है, और आप लोगों को इतना अच्छा साथ मिला है, इतना अच्छा हम लोगों को, मुझे भी आपको भी, वर्मा सर के साथ में रहने का सौभाग्य आशीर्वाद मिला है. इसको हम लोगों को क्या करना है? आगे ले जाना है, इस परंपरा को आगे ले जाना है, संस्कारों को आगे ले जाना है. तो यहां सिर्फ हम विज्ञान नहीं सीखते, यहां हम विज्ञान के साथ में संस्कार भी सीखते हैं. ये कोई धर्म नहीं है, इसको लोग सोचें कि ये धर्म की दृष्टि से देखना, नहीं, इसको विज्ञान की दृष्टि से देखना है. हमारे यहां दूरियां निकाल लेते हैं, हमारे यहां उत्तरायण दक्षिणायन आज से हजारों साल पहले बता दिया गया. व्हाट
मंदिरों में मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूँ, मैं देखता हूँ आजकल कोई यूट्यूब पे आपके साउथ के ही डालते रहते हैं, उसमें मंदिरों में ऐसी ऐसी आकृतियां हैं जो बताती हैं कि हम लोग विज्ञानमय थे, तो उस तरफ भी हमको जाना है। चलिए पानी आ गया हम लोगों का, मैं इसको यहां रख लेता हूं और अब मैं इसमें पानी डालता हूं और इसमें भी फिर लगा के पानी डालूंगा, अभी देखिएगा पानी का क्या होता है। पानी जाएगा हाँ? जाएगा, जा रहा है, ठीक है, अरे जा रहा है यार, फेल हो गया मैं सोच रहा था कुछ जादू हो जाए ना जाए पानी। अच्छा देखता हूँ, इधर लगाता हूँ इस बोतल में, शायद हो सकता है वो बोतल जो है वो मेरी मैजिकल ना हो है ना, इसमें लगाता हूँ, इसमें देखता हूँ पानी जाता है कि नहीं जाता है। मैंने तो भर दिया पूरा, इसमें पानी नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? एनीवन कोई मुझे बताए, रुक जाएगा वो थोड़ा सा, पानी नहीं जा रहा है, देखिए क्यों नहीं जा रहा है बताइए, जाना चाहिए ना हैं, क्यों नहीं जा रहा है, तेजी से जाना चाहिए। यस, क्या नाम है आपका? दीप्तांशु, वेरी नाइस आंसर, समझे आप लोग? नो नो, प्रेसिंग इज नॉट, दैट वाज माय एरर, दैट वाज माय एरर। इसीलिए उसके बाजू में एयर टैंक बनाने के लिए सेलोटेप लगा, किसके? कैप को सेलोटेप, नहीं कैप को मैंने बंद कर दिया, ठीक है, दिस इज वेरी क्लियर आंसर। उसमें क्या है, ये तो ये थोड़ा थोड़ा जो बूंद करके टपक रहा है ना, दैट इज ड्यू टू यहाँ पे, ये हमारा ये अभी लाने में ये यहाँ से एरलडाइट निकल गया। अगर ये टाइटली पैक है, बंद है, इसमें से पानी एक बूंद अंदर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्यों? हाँ, इसको दूसरे शब्द में जो हम लोगों को सोचना है विज्ञान की दृष्टि से, कहने का तरीका, सोचने का तरीका, बोतल भरी हुई है बोतल खाली है ही नहीं तो जाएगा कैसे? जितनी खाली होती जाएगी जाएगा, अगर एक बूंद टपक रहा है, इफ इट इज परकुलेटिंग लाइक दैट, इट मीन्स समवेयर लीक इज देयर, एंड दीज आर अवर की फैक्टर्स। बड़े बड़े जब हम लोग मशीन देखते हैं ना, तो इन सब प्रिंसिपल्स के ऊपर ही हमारे यहाँ वैक्यूम कोटिंग यूनिट रखी हुई है। मैं सर से आग्रह करूंगा कि आप लोगों को जब टाइम मिलेगा, या कभी, अभी तो मैं जा रहा हूँ अंडमान, अगर 7 तारीख के बाद तक आप लोग रुके रहेंगे, या कल अगर आपको समय मिलेगा तो मैं थोड़ा सा लैब विजिट कराऊंगा, तो वहाँ जो बड़ी बड़ी मशीनें और सब होता है, इनमें छोटे छोटे प्रिंसिपल्स लगते हैं, यही प्रिंसिपल्स लगते हैं, एंड देन यू कैन डिटेक्ट, when you are an engineer, you become an engineer, you will be easily detect, this is happening like this. तो उसके लिए आपको एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए ये सब करना पड़ेगा, ये सब सोचना पड़ेगा, एंड यू आर इन द बेस्ट प्लेस, सो कैश इट, स्टार्ट नाउ। दिन रात आपके दिमाग में यही चलना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साथ में चूंकि साइंस कहां ले जाता है, अगर अकेला विज्ञान की आप बात करोगे तो वो हमको कहां ले जाता है, कहां जा रहे हैं हम लोग बताइए? अच्छा हो रहा है कुछ विज्ञान के साथ? मोबाइल तो है, कंप्यूटर है, हम लोग प्लेन में जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉट भी जा रहे हैं, अंतरिक्ष में भी जाएंगे, ये कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके साथ में कुछ और बुराइयां कुछ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? कुछ समझ में आती हैं बुराइयां साइंस की? क्या ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना, अभी हम लोगों ने इतना बड़ा इफेक्ट देखा, जितना विज्ञान टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आपने देखा होगा, कैंसर पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं, बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, बहुत सारे, हर किसी के परिवार में कोई ना कोई को सुनने में आ जाता है कि उनको कैंसर है, उनको डायबिटीज है, उनको बीपी है। ऐसा जीवन नहीं जीते थे हमारे जो पूर्वज थे, कभी नहीं जिया उन्होंने, वो मस्त लाइफ जीते थे, शुद्ध हवा थी, शुद्ध खाना था, शुद्ध पीना था, शुद्ध पानी था। आज हमारे पास में सारी चीजें गायब है, शुद्ध खाना नहीं, शुद्ध पानी नहीं, पॉल्यूशन है,
शुद्ध भोजन नहीं, चूंकि चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है तो हर कंपनियां लगाए पड़ी हैं कि नहीं नहीं वो हम अपना प्रौद्योगिकी इतनी इस्तेमाल करें कि हम सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट बना के बेचें मार्केट में, और हम लोग उसका खामियाजा भोग रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो नहीं भोगते थे कभी, बहुत अच्छी लाइफ जिए हैं वो लोग। उनके पास क्या नहीं था, लग्जरी लाइफ नहीं थी, उनके पास कार नहीं थी, उनके पास मोबाइल नहीं था, उनके पास में ये सब आर्टिफिशियलनेस नहीं थी, लेकिन वो प्रकृति के साथ में जीते थे और अच्छी लाइफ जीते थे, 90-90, 100-100 साल तक स्वस्थ। लेकिन आज हम लोगों को, हम लोग क्या सोचते हैं आज हम लोग, आप पापा मम्मी से पूछना आपने कहाँ रहेंगे, ऐसी जगह रहेंगे, मैं भी ऐसी जगह रहना है बुढ़ापे में जहाँ एक अस्पताल हो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, जाने आने के लिए एरोड्रम हो, या एटलीस्ट कम से कम रेलवे स्टेशन हो। हम क्यों नहीं सोचते कि हम प्रकृति के साथ पहाड़ पे जिए और वहीं पे विज्ञान करें, और कितना विज्ञान करें। तो विज्ञान हमको जहां अच्छाई की ओर ले जा रहा है, विज्ञान और तकनीकी, वो हमको नीचे भी ले जा रही है। तो विज्ञान के साथ क्या क्या बताइए, क्या बताया यहां पे शिक्षा सोपान में, क्या चल रहा है विज्ञान के साथ में? वर्मा सर क्या बोलते हैं, हैं संस्कार, विज्ञान के साथ में संस्कार, वो अति आवश्यक है। और वो हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में, हमारे साहित्य में भरे पूरे हैं। पढ़ते रहिए समय मिलने पे कि जीना कैसे है, कैसे काम करने हैं, कैसे रहना है, दीज आर संस्कार। तो जब उसके साथ साइंस चलेगा, विवेक के साथ विज्ञान, ठीक है, विवेक के साथ जब विज्ञान काम करेगा तो ये सब चीजें नहीं आएंगी और अच्छा होगा। हम अंतरिक्ष की भी सैर कर पाएंगे, अपने को स्वस्थ भी रख पाएंगे। तो दोनों चीजों का सामंजस्य जरूरी है। अच्छा लग रहा है कि मैं बोर कर रहा हूं आप लोगों को, अच्छा लग रहा है ना, दैट्स गुड, दैट्स नाइस। तो ठीक है, ये आप लोग समझ गए। तो एक चीज से आप ऐसे 2-3 चीजें बना सकते हैं अपने आसपास के स्कूल में। एक टास्क आप लोगों को दे रहा हूं कि आप लोग जब जाओगे तो आप एक एक ये मॉडल डिजाइन करोगे और अपने दिमाग से सोचोगे और क्या बना सकता हूं, और अपने आसपास के स्कूलों में एक विजिट करोगे, हर स्कूल में आप लोग जाके बताओगे, एक एक क्लास में बताओगे कि ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, जिसको संभव हो कर लेना, जिसको संभव नहीं हो कोई बात नहीं, अपना खुद लेकिन बनाना, कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है, इसको खत्म करते हैं। इस बोतल से इसलिए पानी गिरा, हाँ ये तो बताना ही भूल गया, इस बोतल से पानी क्यों गिरा बताओ, कैप ढीली थी, अगर कैप टाइट भी कर देंगे तब भी गिरेगा, क्यों बताओ, कैसे कर सकते हो ये? हाँ, दैट्स इजी, यही तो इनोवेशन है। सोचना है हमको कि हम इसमें क्या करने की, साला बोतल भी बंद रहे, सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार ये तो बोतल बंद है, एक छोटा सा पिन होल लेके एक गरम करो सलाई और यहाँ से छेद कर दो, ये मैंने छेद किया हुआ है, दिख रहा होगा कैमरे में आया छेद। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। एक ये मैजिक ग्लास मैंने डिजाइन किया हुआ है, इसको बाद में बताता हूँ, अब मैं थोड़ा सा मटेरियल साइंस पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग कणाद ऋषि की बात कर रहे थे, उन्होंने कण, एटम, ये सब परिकल्पना उनकी है, बाद में डाल्टन आए, डाल्टन ने हमको परमाणु बताया, और नाउ वी विल प्रोसीड इन दिस आयरन। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर जाने के लिए हम लोग इमेजिन करेंगे, नाउ वी ऑल विल इमेजिन वी आर टाइनी, वी आर नैनो। ठीक, तब तो आराम से, अब जैसे हम इस हॉल में चल ले रहे हैं आराम से, सो वी आर नैनो, देन वी कैन गो इनसाइड दिस वेरी इजीली, आप चले जाओगे ना, फिर तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से मूव करेंगे हम लोग एटम्स के बीच में, इनके बीच में, यहां से निकल के देखेंगे, यहां से निकल के देखेंगे, इधर से जाएंगे, इधर से घुसेंगे, सो दैट शुड बी द क्यूरियोसिटी।